वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए झुंझुनू की पुलिस सतर्क दिखाई दे रही है। बीती रात चिड़ावा डीएसपी आरपी शर्मा के नेतृत्व में पुलिस दल का शहर में फ्लैग मार्च अभियान शुरू हुआ। इस दौरान एक दर्जन से अधिक पुलिस वाहन काफिले में शामिल रहे। पुलिस कार्य का समर्थन करते हुए कई स्थानों पर समाज सेवा में जुटे कार्यकर्ताओं ने पुलिस दल पर फूलों की वर्षा की और ताली बजाकर स्वागत किया। इस संबंध में डीएसपी आरपी शर्मा ने बताया कि झुंझुनू एसपी जेसी शर्मा के निर्देश पर सूरजगढ़ सहित हरियाणा से लगाती सीमाओं को सील करवाया गया है और निगरानी बढ़ाई गई है। सभी संदर्भ में पुलिस को अतिरिक्त वाहनों की बढ़ोतरी की गई है और शहर और ग्रामीण क्षेत्र में फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस वैश्विक बीमारी से हमें बचना है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वे घरों में रहें और सुरक्षित रहें। लॉकडाउन हमारी सुरक्षा के लिए लागू है, इसलिए अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले। फिर भी कोई बेवजह सड़कों पर घूमते दिखाई देंगे तो पुलिस कानूनी कार्यवाही करने को मजबूर होगी। आपको बता दें कि झुंझुनू जिले में अभी तक करीब 31 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जिनका उपचार किया जा रहा है।